राम राम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जाट फैमिली व्लॉग्स में। एंड आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से। हम लोग जा रहे हैं घर। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि दिवाली पे मैं जाने वाली हूँ अपने इन लॉज के यहाँ, और मैंने ये येलो कलर का सूट पहना है एंड ये मैंने सुबह ही सिला है। कल तक मेरा सूट नहीं सिला था, तो सुबह ही मैंने ये सूट सिला है। एंड हम लोग थोड़ा लेट हो गए घर जाने में, क्योंकि आज ऑफिस पे भी पूजा थी, तो इन लॉज मेरे यहीं पे आए हुए थे। तो अभी मेरे हस्बैंड उनको छोड़ के वापस आए हैं हमें लेने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब मैं और खुशी जा रहे हैं। ये री लक्की जा चुका है ऑलरेडी अपने माँ और दादा के साथ। वो मॉर्निंग में आए थे तो वो उनके साथ ही चला गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत कर दी जाए। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं घर जाने के बाद, एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि दिवाली पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं एंड क्या फ़न होने वाला है, क्या कुछ फ़न नहीं होने वाला है। तो सभी मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगी। कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की, जितना हो सकेगा उतना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को घर पहुँचने के बाद, ठीक है? तो यहाँ हम लोग घर पहुँच चुके हैं और आप ये देखिए, दोनों बहनें बैठ के ना आते ही रंगोली के डिज़ाइंस डिसाइड करने लगी हैं फ़ोन में देख के कि क्या डिज़ाइन हम बनाएंगे। और हम लोग लेके गए थे कस्टर्ड एप्पल, जो कि शरीफा होता है, और इनको रंगोली देखते देखते सडनली याद आया खुशी को कि तू कस्टर्ड एप्पल खाएगी। और वो देखो, हम लोग एक्चुअली बॉक्स में लेके गए थे, क्योंकि पन्नी में ना सारे फूट जाते हैं, पके हुए होते हैं तो सारे के सारे ना फूट जाते हैं, तो इसलिए हम डब्बे में लेके गए थे। और ये देखो रंगोली का डिज़ाइन देखते देखते बीच में इनको भूख लग गई और ये कस्टर्ड एप्पल खाने बैठ गए। और वो कनिष्का सूंघ सूंघ के देख रही, इसको आदत है हर चीज़ सूंघ के खाने की। तो यहाँ ये लोग अपना रंगोली डिज़ाइन देख रहे हैं, और यहाँ ये देखो दोनों के दोनों शैतान, इन्होंने इतने पटाखे इकट्ठे कर रखे हैं दुकान से ला ला के। और अब ये देखो ये अपने निकालते, थोड़े से निकालते हैं, बाकी स्टॉक छुपा के रख देते हैं, और ये पटाखे निकाल रहे हैं चलाने के लिए। कहाँ जा रहे हो? घेर में क्या करने जा रहे हो? मजे। पापा बोले घेर में ना, घर पे एंड ये वो क्लिप शूट करने के बाद हम लोग लग गए थे खाना बनाने। और ये देखो दोनों ने एक रंगोली बना दी है, एक रंगोली ये बना चुकी हैं दोनों बहनें, और दूसरी बनाने लग रही हैं। तो दूसरी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो दूसरी ये लोग बना रहे हैं दूसरी साइड पे, दूसरी बालकनी में दोनों अपना लगी हुई हैं। पूरे देखो कितने कलर फैला रखे हैं इन्होंने, और दोनों की दोनों अकेले ही लगी हुई हैं। तो बीच का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम खाना बना रहे थे। और ये देखिए इन लोगों की रंगोली हो गई है कंप्लीट। ये अगेन इन्होंने एक और पिकॉक बनाया है, और दोनों ने बताइएगा ज़रूर आपको दोनों रंगोली कैसी लगी, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। और चलिए फिर अभी आप लोगों को मैं एक बार अपने गांव का नज़ारा दिखा देती हूँ, लाइटनिंग दिखा देती हूँ दिवाली पे। तो ये देखिए पूरा गांव जगमगा रहा है, ऑलमोस्ट हर घर ने लड़ियाँ लगा रखी हैं हमारे यहाँ। मतलब ये होता ही है दिवाली पर ना, बहुत अच्छा गाँव लगता है एकदम, सब जगमग जगमग, चाहे छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, सब लाइट लगाते ही हैं। और फिर ऊपर से रंगोली वंगोली बनाने के बाद बच्चे आ गए थे नीचे, एंड पूजा हो चुकी है। पूजा मेरे फादर इन लॉ करते हैं, तो पूजा का मैं शूट नहीं कर पाई। एंड पूजा करने के बाद अभी यहाँ सब लोग खा रहे हैं खाना, और खाने में हमारे यहाँ दिवाली वाले दिन बनता है दाल चूरमा। तो चावल भी बनाए हैं और दाल चूरमा भी बनाया है, तो रोटी भी बनाई थी, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। एंड खाना वाना खाने के बाद अब ये दोनों पहुंच गए हैं पटाखे चलाने, और वो दोनों बहनें नीचे खेल रही हैं। वो पटाखे नहीं चलाती हैं, पटाखे बस यही दोनों चलाते हैं, और मैं चलाती हूँ, मेरे को शौक है पटाखे चलाने का बहुत ज़्यादा। तो इनके साथ हर साल मैं ही रहती हूँ यहाँ ऊपर टेरेस पे। और ये देखिए ये सारे जो दिए मोमबत्ती जो लगा रखे हैं, ये सब इन्होंने दोनों भाइयों ने लगाए हैं फटाफट फटाफट,
क्योंकि इनकी माँ गुस्सा कर रही थी कि पहले दिए लगा दो, पहले दिए लगा दो, पटाखे लगाने चलाने चले गए। तो इन्होंने फटाफट सारे दिए लगा दिए, सारी मोमबत्तियाँ लगा दी कि माँ हम लगा देते हैं जल्दी फिर हम पटाखे चलाएंगे। पटाखे चलाने के चक्कर में सारा काम फटाफट कर दिया एंड अब ये दोनों लगे हुए हैं। मतलब इनको पूरा दिन, ऑलमोस्ट पूरा दिन हो गया इन लोगों को पटाखे चलाते चलाते दोनों को, और ये थके नहीं है पटाखे चलाते चलाते। इतने इन्होंने पटाखे इकट्ठे कर रखे दुकान से ला ला के, दादा से पैसे ला ला के। हम लोगों ने तो नहीं ला के दिए थे, मेरे हस्बैंड को भी मैंने मना कर दिया था पटाखे लाने के लिए कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जेठ भी नहीं लेके आए थे, बट दादा से पैसे ले के और ये गाँव की शॉप से ही खरीद लाए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे नहीं मानते हैं चलाए बिना, बच्चों को थोड़े बहुत चाहिए ही चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था कि बस थोड़े बहुत चलवा के, और फिर मैं नीचे ले गई थी इनको, बहुत ज़्यादा देर तक चलाने नहीं दिए थे हमने, थोड़े बहुत चलाए थे और फिर नीचे ले गए थे हम इनको। तो ये देखिए आप लोग, बहुत मस्त हैं पटाखे चलाने में एकदम ये लोग। और ये बगल में मेरे ताऊ ससुर का घर है, तो उनके पोता पोती भी आ गए थे। हमारी छत एक ही है दोनों की, मतलब दीवार एक है दोनों की छत की। तो वहां से कूद के ये देखो ये वापिस जा रहा अपनी छत पे कूद के, और ये मतलब आ जाते हैं और चले जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको घर। तो देखिए ये है मेरे ताऊ ससुर का घर, मतलब मेरे हस्बैंड के जो ताऊ जी हैं, मेरे फादर इन लॉ दो भाई हैं, तो ये बड़े वाले का घर है और ये इधर हमारा है। दोनों की छत एक ही है, तो हम लोग बहुत इजीली एक दूसरे के घर आ जाते हैं और चले जाते हैं टेरेस से ही छलांगे मार मार के। तो बस हो गया पटाखे पटाखे, अब मैं इनको लेके नीचे जाऊंगी। एंड ये देवर चला रहा था स्काई शॉट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी कैप्चर कर लिया जाए। हाँ जी, तो आप लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरी तो आप लोगों ने देख ली, जितना भी हो सका मैंने शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड आज है गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी दिल से शुभकामनाएं। एंड आज आप लोग क्या करने वाले हैं वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हम लोग हो चुके हैं रेडी, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा के साथ साथ अमावस भी है, तो हमारे यहाँ अमावस पे जोत लगती है, मंदिर में जाते हैं और मतलब जो हमारी मानता है वहाँ पे जाके हमें जोत लगानी पड़ती है। तो जो कुछ भी जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड ये होता है अमावस वाले दिन, अगर दिवाली वाले दिन अमावस पड़ती है तो दिवाली वाले दिन हम लोग जाते हैं, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा पे अमावस पड़ी है तो हम लोग आज जाएंगे। और हम सब रेडी हो चुके हैं, बस जेठ की बेटी नहा रही है, उसका नहाना बाकी है। तो लक्की और आदि जो मेरे जेठ का बेटा है वो जेठ के साथ दूसरे बड़े मंदिर जा चुके हैं, और खुशी और कनिष्का जो मेरी जिठानी जेठ की बेटी है वो हमारे साथ जाएंगी दोनों। तो मैंने आज ये वाला सूट पहना है, देखिए आप लोग, जो मैंने करवा चौथ के लिए आप लोगों को दिखाया था ये वही सूट है। तो ये करवा चौथ पे नहीं सिल पाया था, करवा चौथ पे मैंने ड्रेस डाली थी, तो इसीलिए मैंने आज ये सूट पहना है। कल सीला था मैंने, जो कल पहन रखा था वो भी कल सीला था, और उसके बाद ये वाला सूट भी मैंने कल सीला है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर मेरा सूट कैसा लग रहा है। एंड मैं बेड पे बैठी हूँ और पीछे ना हमारी क्विल्ट्स रखी हुई हैं, तो ये मेरे को अभी लेके जानी है, इसलिए मैंने बेड में से निकाल के कल और यहीं पे रख दी थी। तो ये हमें लेके जानी है, विंटर्स के कपड़े भी लेके जाने हैं और ये भी लेके जानी है, तो सामान मैंने निकाल के रख रखा है, ये लेके जाऊँगी मैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग जोत लगाने के लिए निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है तो बच्चों के साथ इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है, और मेन रोड भी है तो बच्चों के साथ थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसीलिए हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। एंड ये देखिए आप कितनी हरियाली है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। गांव में और शहर में यही फ़र्क है कि गांव में पॉल्यूशन नहीं होता है बिल्कुल भी, एंड शहर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ देखिए ये बेर की झाड़ी है जिस पे बेर लगे हुए हैं, आप देखो कैसे बिल्कुल मतलब भरी पड़ी है झाड़ी बेर से। तो ये खुशी शूट कर रही थी तो उसने झाड़ी का भी ले लिया जो बेर लगे हुए थे, तो उसको भी इसने कैप्चर कर लिया था।
और बहुत ज़्यादा बेर लगते हैं, थोड़े दिन के बाद ये लाल हो जाते हैं। दादी नमस्ते। एंड यहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये है वो माता जहाँ पे हमारी जोत लगती है। यहाँ पे जो दिवाली का प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है, जो खील खिलौने और पताशे का प्रसाद होता है वो यहाँ चढ़ाया जाता है, और गुलगुले भी बनते हैं तो गुलगुले भी यहाँ पे चढ़ाते हैं। जो लोग मतलब हरियाणा के हैं उनको पता है कि गुलगुले क्या होते हैं। गुलगुले होता है कि जो आटा गेहूं का आटा होता है उसमें गुड़ या चीनी मिक्स करके उसकी पकौड़ियाँ बनाई जाती है, उनको मीठे गुलगुले बोलते हैं। तो वो यहाँ पे चढ़ते हैं, खीर चढ़ती है, जो भी मतलब हम खाना बनाते हैं खीर चढ़ती है, गुलगुले चढ़ते हैं, और जो दिवाली का प्रसाद होता है वो चढ़ता है यहाँ पे। तो यहाँ मैं और मेरी जेठानी हम दोनों जोत लगा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं साथ में। तो यहाँ की मतलब जैसे सब ने खील चढ़ा रखी थी और प्रसाद जो चढ़ा रखा था ना, तो हवा चल रही थी, किसी ने जोत लगाई होगी तो वो जोत उस खील में गिर के और वो खील ने आग पकड़ ली थी। तो यहाँ इतना धुआं हो रखा है, इतना धुआं हो रखा है कि बैठना बहुत मुश्किल हो रखा है। हमने बहुत मुश्किल से जोत वोत लगाई है, बहुत मुश्किल से पूजा कराई है, एंड अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे। वहाँ से हम मतलब वहाँ पे भी हम पूजा वूजा करके जोत नहीं लगाएंगे, पर वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ा के और जैसे मिट्टी निकलती है वैसे ही यहाँ से हम मिट्टी निकालेंगे सात बार, और उसके बाद फिर हमें वापस उसी माता पे जाना है जहाँ हम जोत लगा के गए थे। तो चलिए आप लोगों को ये रास्ता भी दिखा देती हूँ, बहुत खतरनाक रास्ता है, जंगल जैसा बिल्कुल। देखिए आप लोग, हो सकती है किसी जैसे भूतनाथ वाली वगैरह कुछ ही। पर उनको ये ना जगह आसानी से मिलने की नहीं, हमारा गांव बड़ा अंदर का है, और आ जाएंगे ना तो हम उन्हें अपने, और अगर वो यहाँ आएंगे ना तो हम उन्हें अपने घर में रुकाएंगे। अभी तुम गांव में आ रहे हो तो गांव देख कर ही सब हमेशा सही बात है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे तो, एंड ये चुन्नी इतनी हैवी है इस सूट की, चौड़े बॉर्डर की वजह से हैवी हो रही है ये, और ये बॉर्डर मेरे को लग रहा है बार बार कि नीचे की साइड करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये बार बार नीचे रिपट रही थी और मेरे से संभालनी इतनी मुश्किल हो रखी थी, बहुत मुश्किल हो रखी थी संभालनी। और यहाँ पे ना एक हैंडपम्प है, तो बच्चों को बहुत शौक है वो हैंडपम्प चलाने का, और यहाँ से हमने मिट्टी ले ली है, ये मिट्टी वहाँ माता पे चढ़ेगी। अरे बकवास पानी है, वेस्ट को कर भी क्या लेंगे। तो हम माता पे मिट्टी चढ़ा के और वापस आ चुके हैं, वो कैप्चर नहीं कर पाए थे क्योंकि बच्चे यहाँ हैंडपम्प पे खेलने लग गए थे, इनको बहुत शौक है हैंडपम्प पे खेलने का। एंड अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाने के बाद हम खिलाएंगे बच्चों को खाना और हम भी खुद ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे निर्णाबासी जोत लगती है। तो देखिए हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और आते ही बच्चों को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो यहाँ ये बच्चे खाना खाने बैठ गए हैं। कनिष्का और खुशी खाना ऑलरेडी खा चुके हैं, लक्की और आदि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये दूसरे बड़े मंदिर में गए थे, तो वहाँ से आते आते ये लेट हो गए थे, तो इसलिए ये लोग अभी खाना खा रहे हैं। और ये सारे बच्चे टीवी देख रहे हैं खाना खाते खाते, ये लोग बिना टीवी के पता नहीं, बच्चों को ना खाना नीचे उतरता ही नहीं है। हाँ जी, तो हम लोग जोत लगा के वापस आ चुके हैं एंड सबको खाना खिला दिया है, बच्चों ने भी खा लिया है, मेरे हस्बैंड खा के ऑफिस चले गए हैं, एंड पापा अभी आए नहीं हैं, घर में ही हैं, वो आएंगे तब उनका खाना बनेगा। और अभी मैं खाना खाने बैठी थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना पहले आप बात कर ली जाए, इस ब्लॉग को एंड कर लिया जाए, उसके बाद ही खाना खाया जाए। तो रुकिए मैं आप लोगों को एक मिनट अपनी थाली दिखाती हूँ हम लोगों ने आज क्या क्या बनाया है, ठीक है। तो अभी रुके एक सेकेंड, तो ये है हमारा आज का खाना, ये आलू की सब्जी है, पूरी है, अचार है एंड लस्सी है। तो ये आज का खाना है, खीर भी बनाई थी बट खीर मैंने लस्सी ले ली तो इसलिए मैंने खीर नहीं ली, क्योंकि आज अमावस है तो खीर हलवा तो बनता ही बनता है, पर लस्सी ली है तो मैंने नहीं लिया, हलवा नहीं बनाया था, खीर बनाई थी क्योंकि आज गोवर्धन है, शाम को गोवर्धन पूजेगा तो शाम को भी हलवा बनेगा, इसीलिए हम लोगों ने अभी हलवा नहीं बनाया, हम शाम को बनाएंगे हलवा, अभी खीर बना दी थी।
बट बच्चों ने भी लस्सी पी थी, लस्सी से ही खाना खाया है, तो बच्चों ने भी खीर नहीं खाई, तो अभी खीर दिन में खाई जाएगी। दिन में नहीं खाई जाएगी तो शाम को खा लेंगे, क्योंकि शाम को तो हलवा भी बनेगा गोल्धन पूजे का। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ये था मेरा दिवाली का एक बहुत छोटू सा ब्लॉग, और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट भी कर देना, ठीक है। आप लोग कमेंट भी करते हो, पसंद भी करते हो, प्यार भी देते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो यार। लाइक कर दिया करो, लाइक भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ वीडियो एक्चुअली पसंद आ रही है। मेरी बहुत सारी वीडियोस पे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच सभी को। और सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक एक छोटू सा लाइक भी दे दिया कीजिए। छोटू सा ही लाइक लगता है तो एक एक लाइक भी दे दिया कीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा खुशी होती है व्लॉग्स बनाने में, और ज़्यादा खुशी होती है वीडियोस बनाने में। तो एक छोटू सा लाइक दे दीजिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो बंद करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, और नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो बंद करने से पहले। एंड चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक सभी को प्यार भरी राम राम।